भारतवर्ष के अंदर भगवान श्री रामनवमी का त्यौहार जो है पूरे भारतवासी बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाते हैं। उसी की कड़ी के साथ जुड़ते हुए रामनगर के सभी लोग जो हैं वो भगवान श्री नरसिंह मंदिर में भगवान रामनवमी का त्यौहार जो है बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। तो आज प्रातः 8 बजे रामायण अखंड पाठ से ये कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है। तो आज 8 बजे रामायण अखंड पाठ शुरू हुआ और कल 30 तारीख वीरवार को, जबकि भगवान रामनवमी का त्यौहार जो है पूरे भारतवर्ष में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है, तो भगवान नरसिंह मंदिर के अंदर भी ये त्यौहार जो है वीरवार 30 तारीख को प्रातः 9 बजे हवन जो है वो जहाँ पे आरंभ होगा, उसके उपरांत ठीक 11 बजे पूर्णोति होगी और दोपहर के 12 बजे भगवान श्री रामचंद्र जी का जो अवतार हुआ था उस समय जहाँ पे जो है एक विशेष पूजा जो है नरसिंह मंदिर में ठीक दोपहर 12 बजे होगी, उसके उपरांत यहाँ पे भगवान जी को भोग लगाया जाएगा और ठीक 1 बजे भगवान रामचंद्र जी की भव्य शोभा यात्रा जो है वो नरसिंह मंदिर से शुरू होगी और पूरे रामनगर का भ्रमण करते हुए वापस नरसिंह मंदिर के अंदर उसका समापन होगा और ठीक शाम के 8 बजे जो है भजन संध्या का कार्यक्रम भी नरसिंह मंदिर में इस उपलक्ष्य पे रखा गया है। तो मैं सभी श्रद्धालुओं को आपके मीडिया के माध्यम से ये सूचित करना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम भगवान श्री रामनवमी के उपलक्ष्य पर नरसिंह मंदिर में रखे गए हैं, चाहे वो हवन का कार्यक्रम हो, चाहे वो भव्य शोभा यात्रा का कार्यक्रम हो, चाहे वो भजन संध्या का कार्यक्रम हो, सभी लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में जुड़े और भाग्य पुण्य के भागीदारी बने, ताकि भगवान का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो, सभी के घरों में सुख समृद्धि हो, सभी के घरों में खुशहाली हो। एक बार फिर पुनः सभी को मैं यही आह्वान करूँगा कि रामनवमी की सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी भक्तजन जो हैं इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर तन मन धन के साथ भाग लें। शुक्रिया, धन्यवाद। जय नरसिंह जी महाराज। रामनवमी के अवसर पर मंदिर परिसर में किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं अभी? जैसा कि आपने भी देख लिया कि यहाँ पे जो है सभी डेकोरेशन का और जो भी भगवान की रामनवमी के दिन का जो भी जिस तरीके से पूजा अर्चना हवन जो भी विधि ई अनुसार जो हमारे शास्त्र अनुसार जो भी कार्यक्रम है वो पूरा यहाँ पे रखा गया है। और कल जो है जैसे मैंने आपको बताया कि कल रामनवमी का त्यौहार 30 तारीख को रामनवमी है, तो उस दिन हवन किया जाएगा, पूजा अर्चना की जाएगी सुबह भगवान जी की और दोपहर को 12 बजे जो है भगवान राम